हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार सीयूईटी 2024 के तहत इसमें सारे विषय में कितने सीट अवेलेबल है और कितने फॉर्म गिरे हैं। मतलब आप अगर 2024 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार टारगेट कर रहे हो तो आपको मालूम है सीयूईटी के तहत इसका एग्जाम होना है और किस सब्जेक्ट में कितने फॉर्म भरे गए हैं, इसका डेटा हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम हमेशा आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। देखो, अभी सीयूएसबी में या अगर बिहार में दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नया खुला है उसमें एमजीसीयू और सीयूएसबी, ठीक है, इन दोनों में अगर हम बात करें तो सीट काफी कम है। सीयूएसबी में 13 नए इंटीग्रेटेड यूजी पीजी पाठ्यक्रमों में प्रत्येक विषय में 20 सीटें ही हैं। इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं लाइक यूजी पीजी एक साथ। इंटीग्रेटेड का मतलब है एक ही साथ पीजी करके आप निकलोगे। सो सीयूएसबी में शैक्षणिक सत्र 2024 के लिए 18 स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 1 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुआ है। सोचो आप कितनी ज्यादा बच्चों ने सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने ज्यादा कैरियर कॉन्शियस बच्चे हो गए हैं, इसलिए कि 18 स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए 1 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार सीयूएसबी को यूजी पाठ्यक्रमों में 13 नए शुरू किए गए हैं। पाठ्यक्रम जो नए पाठ्यक्रम है उनका समझ लीजिए कि 13 नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, ठीक है। इसके लिए टोटल अगर हम लोग देखें यूजी पीजी पाठ्यक्रमों के लिए 1,02,343 आवेदन प्राप्त हुए। विश्वविद्यालय ने 648 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। पीआरओ मोहम्मद मुदासिर आलम ने बताया इसमें बीए एलएलबी में 132, बीबीए में, ध्यान से सुनिए, बीए एलएलबी में 132, बीबीए एलएलबी में 60, बीएससी एग्रीकल्चर में 60, बीए बीएड में 63, बीएससी बीएड में 63 सीटें हैं। नए इंटीग्रेटेड यूजी पीजी पीजी पाठ्यक्रमों में प्रत्येक विषय में 20 सीटें ही हैं। ये तो मैंने पहले भी बताया। कुलपति वाइस चांसलर जो है प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह ने इतनी संख्या में आवेदनों से प्रसन्नता व्यक्त की है। कहा है कि इसे सीयूएसबी की लोकप्रियता और शैक्षणिक उत्कृष्टता का परिचायक बताया है। सीयूएसबी के परीक्षा नियंत्रक सीओआई डॉक्टर शांति गोपाल पाइन ने बताया कि 4 वर्षीय बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में प्रवेश के लिए 31,368 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। ये सोचो आप कि एग्रीकल्चर कितना ज्यादा फेवरेट है यहाँ पे, या डिमांडिंग है, या कितना ज्यादा बच्चे अवेयर हो गए हैं कि 31,000 बच्चों ने आवेदन किया है। 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी में 12,000, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए के लिए 7,672, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड के लिए 9,842 एवं 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीबीए एलएलबी के लिए 4,834 आवेदन प्राप्त हुए। 5 वर्षीय एकीकृत यूजी पीजी कार्यक्रमों भूगोल में 2,362, रसायन में आप देखेंगे सांख्यिकी में 1,543, रसायन में 4,550, गणित 4,408, मनोविज्ञान 2,664, राजनीति विज्ञान इतिहास 2,672, समाजशास्त्र 973, भौतिकी, इन सब अलग अलग में यहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसकी प्रवेश प्रक्रिया का जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से हो रही है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 15 से 31 मई के दौरान होगी। बात समझ में आ रहा है? इसके संबंधित जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ था, आज ही का था, करंट का था। होप आपके ये काम आएगा और इससे आपको काफी फायदा होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सारे अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।